हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करेंगे वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आनी है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो इस तरह से कोई वैकेंसी अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, मतलब अगर एक मेजर क्वान्टिटी आप देखो तो नहीं निकाली गई है। और जब से यूपी पीएससी ने हैंड ओवर किया है यूपी ट्रिपल एससी को, तब से और ये बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रहा है मामला कि कब आएगी वैकेंसी, कब नहीं आएगी। तो उसके बारे में जो अपडेट मिली है अभी कि कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कब आने वाली है, वो जो एक हमें जो टाइमलाइन मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको हम इस पर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि लोअर पीसीएस के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी है जो यूपी पीएससी ने यूपी ट्रिपल एससी को हैंडओवर कर दी है और किन पे इनको भर्ती निकालनी है और कब निकली थी लास्ट भर्ती और अभी जो अपडेट है उस भर्ती का कि कितने पोस्ट आने वाले हैं और कब आने वाले हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं आपको, उसके बाद आगे की जानकारी आपको देंगे। और दूसरी ये भी बताना है कि पेड़ 2023 से आएगी या 24 से, तो ये भी आपको मैं कंफर्म करूंगा। आप देख सकते हैं इसमें 5 साल से लोअर पीसीएस भर्ती का इंतजार करते विद्यार्थी, यूपी ट्रिपल एससी के ढीले रवैये से छात्रों का भविष्य अधर में लटका। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं छात्रों की मांग लोअर पीसीएस पेड़ 2023 से जारी किया जाए। 672 पदों पर 2019 में निकाली गई थी इससे पहले भर्ती। ठीक है, तो आज 2024 चल रहा है, जो आपकी लास्ट वैकेंसी निकली थी वो 672 पदों पर 2019 में निकाली गई थी। ठीक है, ये बाकायदा यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। इसके बाद ये 5 साल हो गए हैं, ठीक है, अभी तक कोई भी वैकेंसी यहाँ से देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले बात करें कि लोअर पीसीएस के अंतर्गत में कौन सी वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हो अधिशासी अधिकारी नगर, अधिशासी सॉरी कर अधिकारी पंचायती राज 2016 में आई थी, अधिशासी अधिकारी 2019 में, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक खाद एवं रसद 2019 में, खंडसारी निरीक्षक गन्ना आयुक्त 2015 में, सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी विभाग में 2019 में आई थी। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं सहकारी निरीक्षक वर्ग, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता या सहकारी समितियां, सहायक विकास अधिकारी खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड 2015 में, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क 2019 में, जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी मद्य निषेध विभाग 2015 में, नीलाम आयोजक एवं विपणन निरीक्षक पशुपालन 2016 में, सहायक कोषागार लेखाकार कोषागार विभाग में 2016 में, मंडी निरीक्षक एवं मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 मंडी परिषद 2018 में, मनोरंजन कर निरीक्षक राज्य कर विभाग 2016 में, संकलन अधिकारी प्रमुख संपादक जिला गजेटियर विभाग 2015 में। ठीक है, राजस्व निरीक्षक, विधिक माप विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण बांट एवं माप 2016 में, राजस्व निरीक्षक आपके स्थानीय निकाय 2019 में, और शोध संयुक्त राज्य ग्राम एवं विकास संस्थान में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। ठीक है, उसके बाद से जो आपको देखेंगे तो अभी भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। पेट 2021 22 23 का एग्जाम दे चुके हैं पर 5 साल से विज्ञापन नहीं आया है। पीसीएस का विज्ञापन जो 2019 में 672 पदों के सापेक्ष जारी किया गया था, उसके बाद से बच्चे लगातार इस मांग को लेकर जनता दरबार में सीएम से, आयोग में सचिव और अध्यक्ष से कई बार मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि दूसरा बात करें पेट 2023 की, तो पेट 2023 के माध्यम से लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं और छात्रों में इसे लेकर नाराजगी भी दिख रही है। तो जो मांग है वो तो उठाई जा रही है, बट ये बात करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जो वैकेंसी है आपकी जो अभी तक आयोग से आई है जो न्यूज, वो है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आपकी जो वैकेंसी है ये पेट 2023 के थ्रू जो है आ जाएगी। और जो टोटल जो पोस्ट है, जो पदों की संख्या है, वो 1400 से 1500 पोस्ट जो है निकलने की संभावना है आपकी। ठीक है, तो जो ये जानकारी यही है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। पेट 2023 के थ्रू आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में विज्ञापन जारी होगा, 1400 या 1500 वैकेंसी आएगी इसके बीच में ही आपकी। ठीक है, और आपका जो पेपर है वो भी जल्दी से जल्दी कराने की ये लोग कोशिश करेंगे। बट जो अभी न्यूज है ये यही पे है कि नवंबर दिसंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है लोअर पीसीएस का, और पेड़ 2023 के थ्रू ही। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, साथ ही आपको सिलेबस पता ही है कि जो मैथ है, जीके जीएस एंड ऑल यूपी जीके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको घटना चक्र से पढ़ना है वहाँ से, नहीं तो कुछ वीडियोज़ भी पढ़ी हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन अभी सोर्स में। तो तैयारी की एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट पहले विज्ञापन की जो भी सूचना थी वो आप तक हमने दिया है। बाकी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मिलेगी सूचना हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।